राम राम मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, ये आप लोगों का चैनल है, ये भारत के सभी किसान भाइयों का चैनल है मेरे किसान भाइयों। और जब भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो या शेयर करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल के कारण मैं आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, बस मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही ख्वाहिश है कि प्रत्येक भारत का किसान भाई टेक्निकल तरीके से खेती करे, जैविक खेती करे, ऑर्गेनिक खेती करे। इसी प्रकार आज मैं खेती बाड़ी संबंधी ही आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। सवाल ये है मेरे किसान भाइयों कि मल्चिंग का जो बंडल आता है, मल्चिंग का बंडल इस प्रकार से, जो ये देख रहे हो मल्चिंग का बंडल, तो ये मल्चिंग का बंडल है। तो मल्चिंग के बंडल के ऊपर छेद कैसे निकालेंगे, तो छेद निकालने का तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। यह तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे किसान भाइयों। होता क्या है कि कई किसान भाई ये सोचते हैं कि हम भी मल्चिंग लगा के और ड्रिप सिस्टम से या बेड बना के खेती बाड़ी करें। वो उनकी सोच बहुत ही अच्छी सोच है, ये नई जमाने की सोच है, नए भारत की सोच है। परंतु कई किसान भाई ऐसे भी सोचते हैं कि मल्चिंग के छेद किस प्रकार से निकालें। तो छेद निकालने का तरीका भी मैं आज आपको मुख्य तौर पे बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपके नज़दीक के अंदर, मेरे किसान भाइयों, आपके नज़दीक इलाके, कस्बे, राज्य, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे अगर आपके पास लेथ मशीन का जो वर्कशॉप होता है मेंटेनेंस का, लेथ मशीन का वर्कशॉप होना चाहिए। उसी वर्कशॉप पे आप ये मेरा वीडियो ले जाकर दिखा देना और वो मल्चिंग के आसानी से छेद निकाल देगा। मशीन से जो छेद निकाला जाता है वो सही नाप का निकाला जाता है, सही एरिया से निकाला जाता है, उसकी दूरी लेते हैं सही, और बाकी की बहुत ही अच्छा ये विकल्प है। दूरी आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं, 8 इंची दूरी भी निकाल सकते हैं, 10 इंची दूरी भी निकाल सकते हैं, दूरी 12 इंची दूरी भी निकाल सकते हैं, 15 इंची भी अपन दूरी रख सकते हैं छेद निकालने के अंदर, फीते से नापा जाता है। अब आप ये देखिए छेद कैसे निकालते हैं। हमारे राजेश जी मित्र है, ये इनको जो देख रहे हो ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र है, और हमारे इस एरिया के अंदर यही छेद निकालते हैं। इनको टाइम नहीं है छेद निकालने का, इतने कस्टमर आते हैं कि रात रात तक ये काम करते रहते हैं छेद निकालने का। तो मेरे किसान भाइयों, मैं राजेश जी से आपको मिला दिया हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी प्रकार अब राजेश भैया किसे छेद निकालेंगे ये आप देख लीजिए, आप ये देखिए आप। ये देखिए बहुत ही तरीके से, 1 मिनट भी नहीं लगती है छेद निकालने के अंदर। ये नाप लिया फीते से, और ये छेद निकालने का मेरे किसान भाइयों बहुत ही आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे किसान भाइयों, छेद अगर तकनीक से निकाला लोगे आप तो बंडल आपका जो मल्चिंग है वो 3-4 बार आराम से आसान से निकल जाएगी, और देसी तरीके से आप हाथ से निकालोगे ठोक पिंज के तो बंडल मल्चिंग का ये जो पन्नी होती है, थैली होती है, उसका फटने का डर रहता है। अब बंडल देख रहे हो मशीन में किस प्रकार से लगा रहे हैं। अब मशीन में इस प्रकार से बंडल लगा देंगे, इस प्रकार बंडल लगा के ये नाप चोक कर लिए इन्होंने। नाप चोक करने के बाद में 1 सेकंड में नहीं लगता है छेद निकालने के अंदर, और बिल्कुल सेफ तरीके से छेद निकाला जाता है। तो कभी भी आप मल्चिंग के अंदर छेद निकाला है तो लेथ मशीन से छेद निकाला है, बहुत ही अच्छी साफ सुथरा छेद निकलता है मशीन से। पन्नी का फटने का डर नहीं रहता है और पन्नी की उम्र बढ़ जाती है मशीन से छेद निकालने के ऊपर। कम से कम 3-4 बार आपके ये पन्नी चल जाएगी। अगर हाथ से आप ठोक के छेद निकालोगे तो पन्नी का वो फटने का डर रहता है मेरे किसान भाइयों। मेरे वीडियो हर वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी देखने लिए
बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ हर वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है मेरे किसान भाइयों, बहुत ही खास है। ये दो बंडल है हमारे, अब इन बंडलों के छेद निकाल दिया, देख लीजिए आप आराम से। इनकी पैकिंग फाड़े भी नहीं है, पैकिंग भी है, और ये देख लीजिए छेद, बिल्कुल छेद आराम से निकले हैं, छेद निकालते बिल्कुल सफाई से छेद निकला है, बिल्कुल सफाई से। तो इसी प्रकार आप मेरे किसान भाइयों, कभी भी आप मल्चिंग के अंदर छेद निकलाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मैंने एक वो भी दिया था, एक वीडियो बनाया था मल्चिंग कहाँ से खरीदे, तो गंगा सागर का दिया था, तो इस कंपनी का देख लीजिए आप। ये मल्चिंग भी गंगा सागर मल्चिंग है, ISO सर्टिफिकेट कंपनी है, और ये कंपनी पूरे ड्रिप पाइप, फवारे पाइप, बैंड, प्लास्टिक के आइटम जो कृषि के अंदर काम आते रहते हैं वो सब बनाती है, और इसके साथ साथ ये मल्चिंग भी बनाती है। इसका लोगो दिखा देता हूँ मैं, बहुत अच्छा लोगो है, और ये गंगा सागर मल्चिंग है और गंगा स्मगलर पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मल्चिंग मैंने इस कंपनी की खरीदी है। अगर आप ये मल्चिंग खरीदना चाहते हो तो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दूंगा, और वहाँ से आप कॉल करके मल्चिंग के लिए भी बात कर सकते हो, और फार्मिंग हिंदी एडवाइस का नाम लेकर आप विशेष प्रकार की छूट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे किसान भाइयों। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा मेरे किसान भाइयों। आप मेरे इस वीडियो को, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल घंटी है वो भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।